आपको भी ऐसे रोबोट्स और मशीनों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है तो ये वीडियो को देखिए एंड तक। नहीं पसंद है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपांशु हंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं देखा तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। मेरा नाम है दीपांशु हंस। मैं बनाता हूँ वीडियोस इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मैकेट्रॉनिक्स फील्ड स्पेशली उसके रिलेटेड, और मेरे और भी दूसरे वीडियोस हैं ट्रैवल व्लॉग्स और जर्मनी के लाइफस्टाइल के रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर चेक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे रेड बटन है उसको दबा दीजिए। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट न्यूएस्ट फील्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड के बारे में जिसका नाम है मैकेट्रॉनिक्स। इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिए। तो आज हम मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैकेट्रॉनिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फील्ड है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये आपका स्किल्स और आपके नॉलेज डिफरेंट फील्ड में डेवलप करता है। जैसे कि अब मैकेट्रॉनिक्स वर्ड फॉर्म हुआ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये दो फील्ड डिफरेंट फील्ड को कंबाइन करके एक नया फील्ड बनाया गया है। तो इसमें मेन काम क्या रहता है, मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट के साथ कंप्यूटर साइंस का काम और कंट्रोल थ्योरी का काम रहता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन से ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बनता है। तो बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर को कंप्लीट नॉलेज होता है फील्ड के रिलेटेड, मैकेनिकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड होने की वजह से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि आपके पास इसमें मैकेनिकल का नॉलेज रहता है, इलेक्ट्रिकल का नॉलेज रहता है और कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज रहता है। तो इसमें आपको जॉब ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है। तो गाइस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत अच्छी हैं। तो गाइस बात करते हैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रोल के बारे में। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर करता क्या है? तो गाइस मैकेट्रॉनिक इंजीनियर का मेन काम रहता है स्मार्ट डिवाइसेस के साथ काम करना, जिसमें मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज है। और अब बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, तो आपको पता ही होगा कि अब ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ियों के इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं, सेफ हो चुके हैं, जो कि ये सब काम मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का रहता है। अब गाड़ियों में ऑटो पायलट सिस्टम भी आजकल बहुत चल रहा है, तो ये सब काम भी पूरा सेंसर्स के थ्रू होता है। तो सेंसर्स का सारा काम ये सब मैकेट्रॉनिक इंजीनियर का काम है। तो बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को कंबाइन करके न्यू सॉल्यूशंस डेवलप करे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के, जिसके थ्रू एक नया सिस्टम डेवलप कर सके, एक नया प्रॉब्लम को अच्छा स्मार्ट सॉल्यूशन दे सके। तो गाइस अब बात करते हैं हाउ टू बिकम अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो गाइस सबसे पहले तो इसमें आपको अपना बैचलर्स मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग में करना है, तो जो कि आपको यहाँ पे मतलब दो ऑप्शन आएंगे, आप तो आप इंडिया से कर सकते हैं या फिर फॉरेन से कर सकते हैं। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है बट फॉरेन में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि मोस्टली मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स कवर कौन से सब्जेक्ट्स करता है। तो गाइस ये कोर्स स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंट्रोल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स के सब्जेक्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पाइथन एंड मैटलैब, लैबव्यू, सिमुलिंक एंड सॉलिडवर्क्स, ये सब के सब्जेक्ट्स ये कवर करता है कोर्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगर आप बैचलर्स इसमें करते हैं टू गुड, आप इसमें जॉब भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आप इसी में आगे मूव ऑन करते हैं मास्टर्स भी करते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी एज ए मैकेट्रॉनिक इंजीनियर। तो गाइज इसमें दूसरा ऑप्शन ये रहता है, अगर आपको बैचलर्स मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये रहता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं एज ए बैचलर्स, और उसके बाद मास्टर्स में मैकेट्रॉनिक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। बट ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, इसमें आपको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, पर लेकिन फिर भी आपके पास ये एक सेकेंड ऑप्शन है, तो आप ऐसे भी मूव ऑन कर सकते हैं, अपना मैकेट्रॉनिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट गाइस इसमें मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप मैकेनिकल के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आप पैरेलली प्रोग्रामिंग भी सीखें, प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे मास्टर्स के लिए। दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप मैकेनिकल से मैकेट्रॉनिक्स में अगर आप मास्टर्स के लिए शिफ्ट होते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना नॉलेज नहीं होगा जिसमें आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसका आप थोड़ा पैरेलली नॉलेज रखेंगे या फिर ऑनलाइन आप कुछ भी कोर्स बहुत ढूंढ सकते हैं, बहुत कोर्स अवेलेबल है। कोर्स के लिए आप कोर्सेरा या फिर यूडेमी पे जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखें और इलेक्ट्रिकल का नॉलेज रखें तो आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहाँ से कर सकते हैं, आप कौन से यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइस अगर इंडिया के रिलेटेड बात करूँ तो इंडिया में कुछ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके मैं बारी बारी नाम बताता हूँ। सबसे पहला है MET यूनिवर्सिटी जो कि है नोएडा में। सेकेंड है नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि है मुंबई में। थर्ड है मणिपाल यूनिवर्सिटी। चौथा है IIT मद्रास। पांचवा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल। छठा है IIT गुवाहाटी एंड सातवा है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइज ये सब कुछ आपके ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सब मैं इंडिया के रिलेटेड बताया हूँ। अगर आपको जर्मनी में पढ़ना है तो जर्मनी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है, आप वो वीडियो मेरा देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। मैंने मास्टर्स के लिए वो बनाया है। अगर आपको बैचलर्स के लिए ढूंढना है तो आपको बस मास्टर्स की जगह उसमें मैं बैचलर सेलेक्ट करना है, तो आपको बैचलर्स के लिए भी सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। तो इसके थ्रू आप अपने सारी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हैं आपको किस में आपका मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आप अगर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री होल्ड करते हैं तो आप किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास अभी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप ये फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला है रोबोटिक्स, सेकेंड है कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग, थर्ड है कंट्रोल सिस्टम्स, फोर्थ है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स्थ है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, सेवन्थ है टेक्नोलॉजी, एट्थ है डिफेंस, नाइन्थ है एरोस्पेस एंड सो ऑन। आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं ये मैकेट्रॉनिक्स डिग्री को लेकर। इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब्स लेना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। बट अब आज के टाइम में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंपेयर टू ऑल डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स से बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसमें कुछ 10-15% ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हो रही हैं कंपेयर टू दूसरे फील्ड्स, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है तो आपको एज ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर के रोल तो बहुत कम मिलेंगे, बट आप और आपको कौन से आप अगर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं, आपके पास उसकी डिग्री है, तो उसके बाद आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। आप एज ए सिस्टम इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, एज ए रोबोटिक्स इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, देन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, देन मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर, सिमुलेशन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कंट्रोल्स इंजीनियर, मैकेनिकल मॉड्यूलर, इस टाइप के जॉब्स के रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं इन सब में। तो दोस्तों मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग फील्ड उन लोगों के लिए है जो चैलेंजेस लेने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इतनी उनके में कैपेबिलिटी है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो गाइस अगर आप भी इसके लिए तैयार हैं तो ये फील्ड आपके लिए है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सब था मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में जो आज मुझे आप लोगों को बताना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और गाइस नीचे लाल बटन है वो दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड हमारा चैनल फाइनली अब मोनेटाइज हो चुका है, तो सब उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। See you guys.